दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को कनॉट प्लेस से राजनीतिक अभियान सेल्फी विद भ्रष्टाचार राजमहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान में भाजपा नेताओं ने सीएम आवास के प्रत्यात्मक शीश महल के साथ सेल्फी लेकर सीएम आवास के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मौके पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रमेश भिदुड़ी एवं हंसराज हंस के अलावा कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल का ये अभियान केजरीवाल की असलियत को पूरी दिल्ली के सामने उजागर करने में कारगर साबित होने वाला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई का 52 करोड़ रुपया अपने शीश महल में खर्च कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और उसको दिल्ली के हर घर तक सेल्फी विद भ्रष्टाचार का शीश महल अभियान के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मुझे अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि आज आप अपने बच्चों की कसम खा के बताइए कि अरविंद केजरीवाल ये शीश महल आपका है कि नहीं। तब तक तो लोगों को समझ आ जाएगी। कितने लोगों की गाड़ी कमाई तुमने इसमें लगाई से तो यही गिनती है। 52 करोड़ रुपए तुम कहां से लाए? समझो मगर समझ अगर आप में थोड़ी सी भी मॉरल वैल्यू है तो आज इस आपको जवाब आज आपसे जवाब नहीं।